नमस्कार। चाइना से फिगर्स आ रही हैं कि वहां पे मॉर्चुरीज में या बोलिए कि क्रिमेशन ग्राउंड्स में जगह नहीं है, भर चुकी है सारी जगह। ऐसी खबरें इससे पहले चाइना से आती नहीं थी। चाइना ने कभी अपनी कोविड की डेथ्स नहीं बताई, कभी ये नहीं बताया कि कोविड में कितने लोग फैले हैं, कितने लोगों को बीमारी हुई है, कितने मारे गए हैं। अब ये फिगर्स क्यों आ रही हैं? मेरे ही शो में सुमित पीर साहब ने कई बार बोला कि ये कोविड का चक्कर नहीं है, ये शी जिनपिंग और सीसीपी के खिलाफ जो लोग नारेबाजी कर रहे थे और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रोकने का चक्कर था कोविड के बहाने से। इसीलिए शायद ये खबरें भी सामने आती दिख रही हैं। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए सुमित पीर साहब जो है इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, चाइना में भी रह चुके हैं। सर, पहली चीज, आप चाइना में रह चुके हैं, चाइना में काम कर चुके हैं, वहां का मीडिया कितना कितना ओपन है, वहां का मीडिया कितना ऐसी खबरें दे सकता है? क्या ये खबरें सीसीपी की मर्जी से बाहर आ रही? देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहली बात, चाइना में कोई चीज़ ओपन नहीं है। अगर आप कहें रात में दिन होता है, वो ओपननेस ऑन चाइना है। चाइना में सब चीज़ कंट्रोल्ड है, हर चीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। कौन सी खबर आनी है, कितनी आनी है, कितनी कब आएगी, कौन सा वीडियो आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये भी सीसीपी कंट्रोल करता है। लोगों की सांसें भी सीसीपी कंट्रोल करता है। उनके खाने में शाम को खाना होगा, ये भी सीसीपी कंट्रोल करता है। वो कितनी पढ़ाई करेंगे, किस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, किस आपको रेल का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी फ्लाइट बुकिंग होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका सीसीपी के साथ कैसा रिलेशन है। अगर आपका सीसीपी के साथ खराब खराब रिलेशन है, तो जहाँ आप टिकट अपने कराने जाएंगे, काफ़ी जो फेशियल चीज़ों पर चलता है, फेशियल रिकॉग्निशन पे, फेशियल रिकॉग्निशन आपको टिकट ही नहीं देगी जबकि पूरी ट्रेन खाली होगी। जहाज में आपको बैठने को नहीं मिलेगा जबकि पूरा जहाज खाली होगा। ये है सीसीपी का कंट्रोल। और हम सोचते खबरें बाहर आ रही, अब मैं परत बाई परत ये झूठ की कलाई खोलेंगे आज रोहित भाई। सबसे पहली बात, आपको याद होगा एक डॉक्टर था, उसने कहा कि चाइनी जो वैक्सीन है ये फर्जी है, इसमें 73 साइड इफेक्ट और 34 फेटल साइड इफेक्ट है। फेटल माने ये जिससे आदमी मर सकता है। वो डॉक्टर मिस्टीरियसली मर गया, ठीक है, मिस्टीरियसली मर गया। जिस डॉक्टर ने बोला कोविड है, वो डॉक्टर मिस्टीरियसली मर गया। और आज पहले क्या ये श्री गणेश कर सकते हैं बोल के कि चाइना की वैक्सीन फेल हो चुकी है? इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है कि चाइना की वैक्सीन फेल हो गई है। चाइना की वैक्सीन में कभी दम ही नहीं था रोहित भाई। एक्सपर्ट्स की माने तो आज उसकी वैक्सीन की एफिकेसी 15 से 20% है। पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस ने आनन फानन उसे अप्रूवल दे दिया, दुनिया भर में बेचने की इजाजत दी, और हमारे कोविशील्ड को रोकने की पूरी पूरी कोशिश की गई, एंड तक कोशिश की गई। पॉइंट नंबर टू, एफडीए के वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स होते, एफडीए ने वैक्सीन को खोल लोग रोक लिया। यहाँ बहुत से दलाल ऐसे बैठे थे जो मोदी जी पे प्रेशर डाल रहे थे यूएस की वैक्सीन मंगाओ, और अब खुद उसको एफडीए ने रोका बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में भी दिक्कत आई। हमारी वैक्सीनों में माता की ऐसी अनुकंपा, ऐसा आशीर्वाद है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और 5 बिलियन वैक्सीन क्वाड में हमें बनाने को बोल रहा है, अमेरिकन कंपनियों को नहीं, और हम उनके 1/10 कीमत पे वैक्सीन बनाते हैं। और अब उन कंट्रियों का तो यहाँ यूएन कहीं ना कहीं यूएन की पोल पट्टी भी खुलती है। और जिन कंट्रियों को चाइना ने बोला ये लो $2 बिलियन और मेरा वैक्सीन मुझसे लोन पे ले लो, उन कंट्रियों की हालत क्या? उनका तो राम ही मालिक है। तो रोहित भाई ये दो तीन चीजें हैं। दूसरी बात, आपको बात बताऊं, ऐसा क्या हो गया मेरे भाई कि जो पिछली मंगलवार तक मर रहा था वो नॉर्मल डेथ मर रहा था, और जो इस मंगलवार को मर रहा उसे कोविड हो गया? क्या ये चाइना में, सुनिएगा, चाइना में जब दुनिया में पीक कोविड का था, हमारे यहाँ सेकेंड वेव आ रही थी, आपको याद होगा वुहान पूल पार्टी की थी चाइना ने। वुहान में खूब लड़के लड़कियों को बुला के शराब दान नाच गाना बेहूदगी दिखा रहे थे, और ये सारे बड़े फिट बॉडी वाले थे जी, इनमें से कोई सिविलियन नहीं लग रहा था। तब मैंने न्यूज एक्स पे बोला था, मैंने कहा था ये सीसीपी का कार्डर है, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। अगर वुहान सच था तो आज भी आज का झूठ है, या वो झूठ था, दोनों में से तो झूठ हो सकता है। जब दुनिया भर में कोविड खत्म हो गया, तुम्हारे यहाँ कोविड कैसे आ गया? जब दुनिया भर कोविड से निकल गया तब कोविड में आए। जब दुनिया कोविड से ताहे ताहे कर रही थी, 1 मिलियन लोग यूएस में मरे, इन्होंने क्या कहा? हमारे यहाँ तो केवल 1 लाख इन्फेक्शन है, मरने वाले केवल 4,000। अगर ये नंबर था, पीछे मैंने एक दिन देखा वर्डोमीटर पे, इनके यहाँ दिखा रहा था 180 इन्फेक्शन,
मैं कहा अगर 180 इन्फेक्शन है टोटल संख्या एक्टिव केसेस, तो 100 करोड़ लोगों को बंद क्यों कर रखा है? 180 इन्फेक्शन पे 100 करोड़ लोग बंद, और आज ये जो वीडियो नकली दिखाए जा रहे हो, जो कुछ चाइना के दलाल यहाँ ये समाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना में ये हो गया वो हो गया, रोहित भाई सर्दियों में चाइना के क्रिमेटोरियम पे लाइन लगती है, कोई नई बात नहीं है, क्रिमेटोरियम ओवरवर्डन होते कोई नई बात नहीं है। आपको पता चाइना की डेथ रेट क्या है? 28,809, यानी कि करीब 29,000 लोग रोज मरते हैं चाइना में, और यही आप महीने का देखें तो 1 मिलियन लोग मरता है। वही मैंने कहा ना, जो पिछले मंगल मार मरा वो नेचुरल डेथ मरा, और जो इस मंगल मार मरा वो कोविड के कारण मरा। एक बार बताइए, जो ये चार वीडियो निकले जिसमें ये 4-10 लाशें दिखा रहे, इन पे कहीं लिखा कोविड है क्या? अगर चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है कोविड है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? फिर तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला 4,000 इन्फेक्शन हुए और आज मतलब 1 लाख इन्फेक्शन हुए, 4,000 डेथ हुई है। फिर तो चाइनीज गवर्नमेंट ये भी नहीं बोला हमें पता नहीं वुहान कहाँ। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि वायरस चाइना से नहीं आया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये भी बोला हमारा वैक्सीन बेस्ट है, दुनिया में सबसे इफेक्टिव है। और आज मैं एक और छलावा देख रहा था, कह रहे थे और इन्होंने क्या नंबर दिया पहले, मैं नंबर्स बता रहा हूँ, फैक्ट लॉजिकल बता रहा हूँ आपको, इसमें एस्पर्शन कोई नहीं है। इन्होंने बता हमने 300 करोड़ 3 बिलियन लोगों को हमने वैक्सीनेट किया, सबसे पावरफुल वैक्सीनेशन हमारी। अगर 3 बिलियन लोगों को तुमने वैक्सीनेट किया, आज क्यों कह रहे हो कि 30% लोग अनवैक्सीनेटेड है? या वो 3 बिलियन झूठ है या ये 30% झूठ है? आज एक और झूठ निकला है, कह रहा हम कोई नेजल वैक्सीन डाल रहे। अरे भैया कौन सी नेजल वैक्सीन, नाम बताओ, FDA अप्रूवल है क्या? ये डिस्टिल्ड वाटर को ड्रॉपरों में डाल रहे हैं लोगों की नाक में नेजल वैक्सीन बोल के, चाइना में हो सकता कोई बड़ी बात थोड़ी है? किस बात का भरोसा करोगे रोहित भाई, किस बात का भरोसा करोगे? सच कहा, सच और चाइना तो वैसे ही जितना रात और दिन का फर्क है। इन्होंने सच कहा बोला, इनके पास फूड ग्रेन खत्म हो गया है। और सुनिएगा, 100 करोड़ लोग को आपने बंद किया, बोल दिया जीरो कोविड, ठीक है। ओमिक्रॉन का लाइफ साइकिल है 5 दिन, डेल्टा का 14 दिन है। बंद करो ना करो, जिसको मरना होगा तब भी मरेगा। तो पीछे लोग नहीं मर रहे थे क्या, सब अभी मरने लग गए? आज क्या है, मंगलवार, आज हो गए 14 दिन। इससे पहले पोल पट्टी खुल जाए तो आज ये खबर उड़ा दी, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं, और यहाँ लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं, और यहाँ इनकी औकात इतनी है ये तवांग में पंगा कर रहे हैं। जिस कंट्री में लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं, शमशानों में जलाने की जगह नहीं, वहां तुम तवांग जैसी हरकत करते हो, हमाकत करते हो, लोगों की टेरिटरी पे, मातृभूमि पे तुम्हारी नजर है? ये नॉर्मल लोग नहीं करते। दूसरी चीज आपको बता, नहीं सकता। अब हो क्यों रहा, अब इंपॉर्टेंट ये हो क्यों रहा, टेक्निकली फैक्टफुली लॉजिकली कुछ नहीं मेल खाता। अब एक और बात, आपने बोला पहले पहले हमारे हमने कोविड कंट्रोल कर लिया, हम सबसे बीइंग ऑटोक्रेसी या कम्युनिस्ट कंट्री, हमने जी वैक्सीन भी बना ली, हमने ये कर लिया, हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हमने कोविड कंट्रोल कर लिया। पहले आप अपने जब 100 करोड़ लोगों को बंद किया, आपने कहा हमारी इकोनॉमी हो गई स्लो डाउन। पहले बोला आपने कोयला नहीं है, फिर बोला पावर नहीं है, फिर बोला बिजली नहीं है, फिर बोला ड्रॉट नहीं है, फिर बोला खाना नहीं है, जिमी चिमी आचा आचा, ठीक है। फिर आपने लोगों के पैसे लिए, माल नहीं दिया, फिर आपके एक्सपोर्ट डाउन हो गए, फिर आपका इकोनॉमिक आउटलुक डाउन हो गया। आज वर्ल्ड बैंक ने पता रोहित भाई क्या खबर दी है, आपके भाई की एक और प्रेडिक्शन माता रानी की कृपा से सच हो गई। मैंने कहा था इनका इकोनॉमिक आउटलुक 4.4 छोटी है, ये 2.3 पे आएगा। आज वर्ल्ड बैंक ने 2.7 घोषित कर दिया। बाकी रेटिंग एजेंसी ऑलरेडी 2.3 पे आ गई है, 2.3 इकोनॉमिक आउटलुक, $45 ट्रिलियन का डेट सर्विसिंग कॉस्ट $1 ट्रिलियन, ठीक है। हर इकोनॉमी के बाजे बड़े से, रियल एस्टेट की बात करें, बुलेट ट्रेन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, आप सीपेक उपेक वाले हाईवेज की बात करें, आप चाइना एयरलाइंस की बात करें, हर एक का बाजा बजा पड़ा है। 18 से 20 ट्रिलियन चाइना हैज लॉस्ट इन इट्स GDP, और GDP का नंबर कितना ये किसी को नहीं पता, परमात्मा भी नहीं जानते। अब देखिए 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 CCP की चारगी है। ऐसे में बादशाह सलामत फिर चुन के आते हैं, बादशाह सलामत का हुजूर बुलंद है, टेंपरर विद नो क्लॉथ्स गेट सिलेक्टेड अगेन। पहले 100 करोड़ लोगों को मेरे भाई बंद करते हो 10 महीने तक, जीरो कोविड, तब तक तुम्हारा वैक्सीन भी ठीक, दवाई भी ठीक, सब कुछ ठीक। इकोनॉमी क्यों नहीं चल रही है, कोविड है जी, लोग बंद है इसलिए नहीं चल रही है। अब जब तुमने लोग बाहर आए, जी जिनपिंग की गद्दी हिल गई, तो आपने सारी रिस्ट्रिक्शन ही हटारी, जीरो कर दी। और अब 14वां दिन आने वाला, 8वें 7वें दिन में आपने तवांग कर दिया, ठीक है, अपना अटेंशन बाहर ले जाने के लिए। मैं आपको तब से हर चैनल पे कह रहा हूँ 14वें दिन देखेंगे कितने मिलियन लोग मरेंगे। अगर ये कोविड सच है तो आज तक 5-10 मिलियन लोग मर जाने चाहिए, कोई नहीं मरा ना।
आज 14वां दिन है, साइकिल हो गया पूरा। और आज क्या खबरें निकाल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, क्रिमेटोरियम क्यों, जब तुम्हारा इकोनॉमिक आउटलुक अब 2.1 पे आएगा और 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर अंदर रोहित भाई यू विल बी इन रिसेशन, चाइना विल बी ऑफिशियली इन रिसेशन। पहले इकोनॉमी नहीं चल रही थी, जीरो कोविड था, अब इकोनॉमी फिर नहीं चल रही, बट्टा बन गया क्योंकि अब कोविड हो गया, मतलब चित की मेरी पट भी चेरी, ये तो शोले का सिक्का हो गया, दोनों तरफ से हेड है। तो अगर इकोनॉमी नहीं चल रही थी, नहीं चल रही तो जी जिनपिंग तुम क्यों चल रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो वापस, यू शुड लीव इट, गिव इट टू सम कॉम्पिटेंट पीपल। कहानी ये है, वायरस नहीं है, इकोनॉमिक वायरस है, पेंडेमिक नहीं है, इकोनॉमिक पेंडेमिक है, चाइना इज ब्रेविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक। ये मैंने 30 दिसंबर 2020 को प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, रिटर्न में देख चुका हूँ, चाइना इज ब्रिंग इकोनॉमिक पेंडेमिक। चाइना के वायरस से लोग तो बच गए, पर ये जो इकोनॉमिक पेंडेमिक लाएगा लोग नहीं बचेंगे। कहानी पूछोगे क्या है, $9 trillion की एम्बेजलमेंट है फॉरन एक्सचेंज स्वैप्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, जिसका आधे से ज्यादा पैसा चाइना ने उठा रखा है। अगर चाइना डूबेगा, यूरोप के सारे बैंक, सारे स्टॉक एक्सचेंज, सारे इक्विटी मार्केट्स, सारे सॉवरन फंड्स को लेकर डूबेगा। PCAOB एक्ट ने तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बचा लिया, पर जो वल्नरेबिलिटी जिसकी है वो है यूरोप की। अब आप इन सारे चीजों का एक नक्शा खींचिए तो बताइए, पेंडेमिक वायरस है या इकोनॉमिक है, वायरस इकोनॉमिक है या वायरस कोविड है। जब दुनिया ठीक हुई तुम क्यों गए, अगर इतनी बड़ी समस्या थी अपनी कंट्री की वाट लगाने से अच्छा ये वैक्सीन खरीद लेते, हमसे मांग लेते, हम भीख दे देते यार, हमसे मांग लेते, हाथ पैर जोड़ लेते, गिड़ गिड़ाते, हम देते ना। देखिए ह्यूमैनिटी के आधार पर देते, दवाई तो हमने दुनिया को दी है। सही बात, राइट। तो आप वैक्सीन नहीं लगा रहे, कंट्री को बर्बाद होता देख रहे, ये तानाशाही नहीं करेगा, पागल भी नहीं करेगा, क्योंकि कहानी यह है रोहित भाई, आगे कुआं पीछे खाई, यू हैव टू जंप फ्रॉम अ फायर फायर टू पैन और अ फैन टू फायर, यू आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, दैट इज द रियलिटी ऑफ चाइना। ये असली सच्चाई है, कोविड का तो बहाना है, कहीं और पे निशाना है, इकोनॉमी इज द प्रॉब्लम नॉट कोविड। और अगर आज कोविड सच होता, मुझे बताइए कोविड वायरस की डेथ रेट 1% तो है डेल्टा की, 100 करोड़ का 1% निकालिए कितने होते हैं, 1 करोड़, 100 करोड़ का 1%, 10 मिलियन लोग मरने चाहिए थे, मरा कोई नहीं, नहीं मरा ना, ये तो मैं प्रेडिक्ट कर चुका था कोई नहीं पांच मरेगा। आप देखिए ये लॉजिकल है, मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, मैं कोई खिचड़ी नहीं बना रहा, मैं परसेप्शन की पतंगे नहीं उड़ा रहा, ना मैं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तो लॉजिकल चीज बता रहा हूँ, ये तो लॉजिकल चीज है ना, एनालॉजी नहीं दे रहा मैं, आई एम टॉक अबाउट लॉजिकल थिंग्स। अगर ये गलत है कोई बता दे गलत है, आज मैं नेशनल टीवी पे भी ये कह चुका, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे थे, मैंने कहा डेल्टा का साइकिल 14 दिन और ये ओमिक्रॉन का 5 दिन, कोई अलिफ लैला के किससे थोड़ी ना बता रहा हूँ, सलीम ने लैला से क्या कहा था, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। अब आप बताइए इसमें गलती कहाँ, गलती हो तो मैं माफी मांग लूंगा सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया है और बिल्कुल सही के क्या पोजीशन है इसमें। कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी रोल निभा रहे थे कि उन्हें भी वो भी ना हो पाए, इसलिए लॉकडाउन लगाया हुआ था। इकोनॉमी और शी जिनपिंग की कुर्सी, कहीं कोविड नहीं दिख रहा है। अब आप आगे, आपके प्रेडिक्शंस बड़ी एक्यूरेट होती हैं, अब आप आगे क्या देखते हैं? देखिए पहले शी जिनपिंग बादशाह सलामत को गद्दी पे बिठाना था, इसलिए कोविड का बहाना था। बादशाह सलामत गद्दी पे बैठे, देखिए उसको तो मैं बादशाह ही कहता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ इलेक्शन नहीं होता वहां तो बादशाह बनते हैं ना, हमारे यहाँ तो 1 बिलियन लोग वोट देते तब प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां तो बादशाह ही बनता है ना, चाइना में बादशाह आते हैं, कोई वहां पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं है। आप देखिए एक बात रोहित भाई, जब प्रोटेस्ट इतने हुए, हाथ हाथ से कंट्रोल करी तो कोविड रिस्ट्रिक्शन हटाए, अब चाइनीज गवर्नमेंट कोविड को यूज करे चाइना के लोगों को डराने के लिए, जिस चाइना की फर्स्ट वेव में एक इंफॉर्मेशन है, और ये ऐसे कमीने हैं, सॉरी टू यूज अ बैड वर्ड, ऐसे बदबख्त है, ऐसे जलील कौम है ये, हमारे यहाँ एक 23 या 25 चिताएं जली थी, वो इमेज गेटी इमेजेस पे 25-25 हज़ार की भेजी, जिन दलालों ने वो फोटोएं लगाई थी वहां पे कि इंडिया में मोदी जी ने क्या कर दिया, वायरस एक्लोपिस, वायरस ने कर दिया इंडिया, मोदी हैज किल्ड इंडिया, ये वो, तब एक हमारी फोटो को लेके हमें पूरे दुनिया में बदनाम किया गया, और मोदी जी पे प्रेशर था अमेरिकन वैक्सीन को इंपोर्ट करो, वही वैक्सीन जिससे ब्लड क्लॉट होते हैं, वही वैक्सीन जिसको आज खुद FDA बंद करता है। मेरे रोहित मेरे भाई, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नहीं होता ना आज, और आप और हम भी नहीं होते, ये हमें समझना पड़ेगा और शुक्र गुजार रहना पड़ेगा जिसका ये विजन है मोदी जी का। मैं मोदी जी को ऐसे सपोर्ट नहीं करता, लॉजिक पे सपोर्ट करता हूँ। अब आप देखिए, एक है तानाशाह जी,
जिसको ये फर्क नहीं पड़ता 10 मिलियन 5 मिलियन 15 मिलियन लोग मरे, लोग के घर में खाना हो नहीं हो, आपकी बिल्डिंग में कोविड मिल गया, बाहर आपकी वेल्डिंग कर देगा, आपके पास खाना है पीना, उसको फर्क नहीं पड़ता, जहां आग लगती फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंचता। फॉक्सकॉन में क्या हुआ हम सब ने देखा, और एक हम है जो हम 80 करोड़ लोग को खाना खिला रहे हैं, घर घर जाके वैक्सीन कर रहे हैं। अब बताइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसका अच्छा, उनका हमारा, वैक्सीन किसकी अच्छी उनकी हमारी, दवाई किन की अच्छी उसकी हमारी, वसुदेव कुटुंबकम कौन बोलते वो बोलते हम बोलते, जो अपने लोग के सगे नहीं हो दुनिया के क्या सगे होंगे रोहित भाई, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम, 140 कंट्रियों को वैक्सीन हमने दिया, भारत ने इज्जत कमाई है, पैसा नहीं कमाया है, ये है भारत का चाल चरित्र, ये भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व, ये भारत की सनातन की शक्ति। आप बताइए ऐसा दुनिया में किसी ने और ने किया नहीं किया है, और एक हमारे प्रधानमंत्री जी है जिनको हमारे बारे में दिन रात सोचते भारत की जनता की, वो कहते हैं प्रधान सेवक हूं। और ये देखिए चाइना का तानाशाह 10-20 मिलियन लोग मरे भी, एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, याद कीजिए माओ को, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन 60 मिलियन लोग मरे थे, केवल केवल दे डिडंट गिव अ डैम टू इट 60 मिलियन पीपल। ये होती है, ये आपको लगता नहीं, आप और हम लकी सनातन की धरती पर पैदा हुए हैं जहां हमारा एक नाम है, जहां हम बात कर सकते हैं, खुल के सांस तो ले सकते हैं, वहां की सांसों पे भी सीसीपी का अधिकार है। पहले बादशाह सलामत को गद्दी पर लाने के लिए 100 लोग को बंद करना पड़ा, फिर गद्दी हिलती दिखी तो 1900 लोग को खोल दिया अगले दिन, और आप अफवाह फैला रहे, डर फैला रहे तुम कोविड से मरोगे, अरे मरे हुए को क्या मारोगे, वो तो वैसे ही मरा पड़ा है, आपको पता चाइना में डर ही नहीं है, मेरे को इन्फॉर्मेशन सोर्स पर डर ही नहीं है, क्यों कहते हम तो वैसे ही मरे पड़े हमें क्या मारोगे, ठीक है वायरस ही मार ले, उन्हें ये भी पता वायरस है ही नहीं, उन्हें ये भी पता वायरस है नहीं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, 28,000-29,000 लोग हर दिन मरते हैं चाइना में, किसको ये 4 लाशें दिखा रहे हो, उन लाशों पे लिखा कि कोविड से मरे, अगर चाइना ये भी बोलता कोविड से मरे तो क्या आप भरोसा करोगे, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका में चाइना से ज्यादा केस है, सुनिएगा, श्रीलंका में चाइना से ज्यादा कोविड केसेस है, क्या क्या भरोसा करोगे, कहां श्रीलंका कहां चाइना, सिंगापुर के केसेस शायद चाइना से ज्यादा हो जाए, सिंगापुर में डेथ शायद चाइना से ज्यादा, अरे सर फर्जी बाड़े और झूठ का अगर कहीं माउंट एवरेस्ट है तो वो चाइना में है, ये इतने मक्कार लोग हैं, सीसीपी इतनी मक्कार है, दे विल बी एट पावर एट एनी कॉस्ट, इफ इट मींस किलिंग अ फ्यू मिलियन पीपल एंड यू नो रेस्टिंग ऑन देयर ग्रेव्स टू बी इन पावर, दे डोंट माइंड डूइंग दैट, ये अपने लोग का हाल है, आपको हमारा क्या हाल है, दुनिया को सतर्क रहना चाहिए इनसे। और एक चीज बताओ रोहित भाई, हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, कर्मा कर्मा कम्स बैक, जो बोओगे वही पाओगे, बबूल का पौधा लगाओगे तो गुलाब नहीं उगेंगे, और ये पाकिस्तानियों ने जहादी पाले था, अब इनको ही काट रहे, आपने देखा पाकिस्तान को कैसे काट रहे हर तरफ से, कहां कहां से नहीं काट रहे, और इन्होंने ये वायरस को ब्रीड किया था, दुनिया की ऐसी तैसी करेंगे, दुनिया के पेट पे लात मारेंगे, दुनिया पे कंट्रोल करेंगे, वही वायरस इन पे पलट रहा है, जी जिनपिंग का बनाया हुआ बायो वेपन उसके उसके मोस्ट लीथल पॉलिटिकल वेपन बन गया उसके अगेंस्ट, होगा क्या, कुछ दिन तक ये मामला ठंडा ऐसे चलेगा, लोग कुछ मरेंगे कुछ नहीं मरेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, ये दो ऑप्शन है, या तो जी फिर कोविड लगाएगा, बट अब लगाए ना लगाए मैटर ऑफ टाइम चाइना की इकोनॉमी तो टूटेगी ही टूटेगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड, लगाए ना रिस्ट्रिक्शन लगाए, कुछ लोग मरे ना मरे कुछ भी होगा, अब ये ओपन हो गया है, चाइना में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, एंड देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना, आई होल्ड टू माय प्रेडिक्शन, देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना, चाइना में खून गिरेगा रोहित भाई, खून गिरना गिरना ही वहां पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, अब 140 करोड़ लोगों को बंद नहीं कर सकते, और हमारी कॉमन चाइनीज से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी जो अदावत है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के साथ, हमें तो सहानुभूति है, हम तो चाहते हैं लोगों को ह्यूमैनिटेरियन मदद मिले कहीं के भी हो, बट अगर आप हमारे साथ तवांग में भिड़ोगे तो हम हमको मार मार के आपका बुरुदा बना देंगे, सीसीपी की इतनी हालत खराब है, ताइवान से हमें कह रहे कि आप हमें ट्रेन कर लो, आप हमें ट्रेन कर लो, हमारे पास 2 मिलियन रिजर्व है, अगर 20 भारतीय सैनिक पीएलए का ये हाल बना सकते तो हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, हम तो इनको 200 साल तक जीतते नहीं देंगे। आज भारत का नाम हमारी वीर सेना ने पूरे दुनिया में उजागर किया है, एवरीबॉडी एंड एवरी इंडियन वेयर एवर यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड, आपका पासपोर्ट कोई भी हो आज के डेट में, आपको बताओ सबका दिल स्किप्स अ बीट जब भारतीय सेना की बात आती है, भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया है, जो दमखम दिखाया है, सर दुनिया काइल हो गई है, दुनिया फैन हो गई है, और मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ, ये है ताकत 130 करोड़ लोग अगर साथ चले, ये है ताकत नेशनलिज्म की, ये है ताकत यूनिटी की, ये है ताकत भारतीयता की, ये है ताकत सनातन की, क्योंकि अगर आप मुसलमान भी आप क्रिश्चियन भी है, बाय रिलीजन यू कैन बी अ क्रिश्चियन और अ मुस्लिम, बट बाय कल्चर यू आर अ हिंदू, यू आर अ सनातनी,
बिकॉज सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज मच बियॉन्ड अ रिलीजन. तो ये है सनातन की पाव ताकत रोहित भाई. दुनिया सनातन का लोहा मानने लगा है, दुनिया मानने लगा है, और वैसे भी शाख्तों को कौन हिला सकता है, जो जहां जहां शक्ति की भूमि हो उनको कौन हिला सकता है, किसकी औकात है. यहाँ देखिए हमारे दो दुश्मन थे हैं, पाकिस्तान की रोहित भाई आपसे कोई छुपा नहीं है, तहस नहस हो रहा, पाकिस्तान खुद टूट रहा, और ये चाइना, और ये आए थे हमें मारने, टू फ्रंट वॉर की बातें कर रहे थे. अब भाई अपने ही फ्रंट संभाल लो अपनी फ्रंट संभाल लो, ये ना हो कि पेंट उतर जाए फ्रंट उतर ही चुके हैं. अच्छा अच्छा आगे बात करते हैं इस चाइना को हेल्प कौन करेगा. जिस इटली ने, जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था, इटली ने उसे बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट दिया. जब इटली में सेकंड, चाइना के बाद सेकंड विक्टिम इटली था जिसमें बहुत ज्यादा केसेस आए थे, इंडिया में भी इटली से ही आया था ये वायरस. जब इटली वो 80,000 केसेस वाली पोजीशन, पर डे वाली पोजीशन झेल रहा था, उसने मेडिकल हेल्प मांगी चाइना से, तो वही इक्विपमेंट जो फ्री में चाइना को दिया था इटली ने, उसी को बेचा वापस इटली को. मेड इन इटली प्रोडक्ट जो फ्री में आया था वो बेचा गया. इसके साथ जब पाकिस्तान ने हेल्प मांगी कि मास्क चाहिए और चाहिए, तो उसे ब्रा काट के दे दी. ये तो सबके सामने पब्लिक में नथिंग है. चड्डियां बेची थी रोहित भाई, आप ना आज बड़े वर्ड्स के साथ बड़े आप चैरिटेबल हो रहे. चड्डियां बेची थी सर, वो भी पुरानी पाकिस्तानी चड्डी, वो चड्डियां निकली थी सही. तो वो ये किसी का भला करने वाला कंट्री है ही नहीं. ये कंट्री बिल्कुल प्रॉपर बिजनेस करता है. और पाकिस्तानियों को पता नहीं क्यों लग रहा था कि सीपीईसी में पूरे पाकिस्तान को 100 साल तक खिलाएगा वो. ऐसा चाइना करता भी नहीं. अच्छा अगर आगे बात करें तो पाकिस्तानियों को इतना ही खिला था जितना वो उग्रों को खिला रहा है अभी. तो फिर भी अपना धर्म ईमान चला रहे हैं, और अगर चाइना के अंडर आ जाए ना, सबको री एजुकेशन कैंप में डालेगा और बता देगा आटे दाल का भाव. राइट. अब एक चीज और, एक फाइनल चीज, के चाइनीज पॉलिटी ने एक टर्न लिया है. चाइना को अब उस लेवल पे आना पड़ रहा है जहां पे अपने ही कंट्री में विदाउट एनी रीजन लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, अपनी इकोनॉमिक फेलियर बताने के लिए, अपने दूसरे फेलियर्स छुपाने के लिए, और शी जिनपिंग की कुर्सी को बचाने के लिए. सिर्फ आवाम का यानी कि पब्लिक का प्रेशर नहीं है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सर्कल्स में भी मुखालफत हो रही है, कहीं ना कहीं आर्मी में भी मुखालफत हो रही है, जिसको ये लॉकडाउन से रोकना चाह रहे हैं. ऐसे में क्या शी जिनपिंग को प्रेशर पड़ेगा, चाहे शी जिनपिंग की हालत और खराब होती जाएगी आने वाले दिनों में. रोहित भाई आपको याद होगा मैंने कहा था जब हमने बजट की कि $210 बिलियन का बजट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कह रहा हम पीएलए को निकालेंगे. मैंने तब याद है वीडियो निकाल के कोई देखे, मैंने बोला था पीएलए को नहीं निकाल सकता. कारण क्या है, पीएलए में काम करने वाला जो लड़का है वो हन चाइनीज है, जिसको मारने के लिए कह रहे वो भी हन चाइनीज, जिस पे गोली चलाने के लिए उसको कह रहे वो हन चाइनीज है. तो कह रहे तो उन्हें बाप पे, भाई पे, माँ पे, बहन पे, चचेरे भाई पे, मेरे भाई पे, पड़ोसी पे गोली चला नहीं चलाएगा, विद्रोह हो जाएगा. 210 बिलियन का बजट होते हुए, धमकियां देते हुए, जी जिनपिंग की हालत पतली क्यों हो गई, पेंट गिली क्यों हो गई, कारण ये है वो पीएलए को नहीं निकाल सकता. ही कैनॉट यूज पीएलए टू फाइट इट्स ओन पीपल, क्योंकि लड़ने वाला जिस पे गोली चलाएगा वो भी उसका रिश्तेदार ही होगा. वो वही उन्हीं घरों से आते हैं वो लोग जिनको मारने के लिए कह रहे हो, जिन पे टैंक चलाने के लिए कह रहे हैं. मैंने तब भी बोला था, लोग कह रहे थे अरे ये तिनविन स्क्वायर की तरह इसको कंट्रोल करेंगे. मैंने कहा ये तिनविन स्क्वायर नहीं है. तिनविन स्क्वायर में केवल एक स्टूडेंटों का ग्रुप था और एक छोटे से लीडरशिप के अगेंस्ट था. ये पूरा चाइना का रेवोल्यूशन, शी जिनपिंग को झुकना पड़ेगा, इसकी कुर्सी भी जाएगी. एक बार झुक गया, अगर ये त्राही त्राही नहीं रुकी तो अब की बार निकल ही लेगा. ऐसे या वैसे निकलना उसको पड़ेगा, क्योंकि पीएलए का विकल्प खत्म हो गया. सच्चाई ये है रोहित भाई, शी बन गया है चाइना का फ्रैंकस्टीन. शी हैज बिकम अ लायबिलिटी फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. और जिस हिसाब से दुनिया चाइना से अपने पेच तोड़ रही है, अपने रिश्ते नाते तोड़ रही है, आपको क्या लगता कब तक चलेगा चाइना, कब तक चल पाएगा? एक और बात बताऊं आपको, रशिया को लोग यूएस ने स्विफ्ट से निकाला, 7-8 महीनों का रशिया खड़ा, चाइना को 20 दिन खड़ा नहीं रह सकता. अगर स्विफ्ट से निकाल दिया 20 दिन खड़ा नहीं रह सकता. फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर चैनल पे कहता हूँ, पहली बात चाइना की इकोनॉमी ऐसी है अगर वो दुनिया से ट्रेड ना करे, व्यापार ना करे, वो जिंदा नहीं रह सकते. दे आर नॉट अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी. चाइना का आर्सेनल इज नॉट रिलायबल. दो चीजें ऐसी उसी स्टाइल में कहता हूँ,
अगेन विद एवरी पासिंग डे दीज टू थिंग्स आर गेटिंग प्रूव. इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड ट्रेड, आर्सेनल इज नॉट रिलायबल, वो लड़ सकता नहीं. हाँ शी डेस्परेट होगा, तवांग जैसी और कोई घटना वो कोशिश करेगा, साउथ चाइना सी में भी कर सकता है, स्टेट्स ऑफ ताइवान पे भी कर सकता है, पर शी को ये पता है ही कैन नॉट फाइट एंड विद अ वॉर विथ इंडिया इन हिमालयस एंड लुकिंग एट द वैलर ऑफ इंडियन आर्मी. मैं आपको बताऊं ये लोग चाइना की फौजों में, मेरे को एक सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन आई है, चाइना की फौजों में रोहित भाई डिप्रेशन आ गया. पूछो क्यों, कह रहे भैया यहाँ से भी मरवाओगे, यहाँ से भी मरवाओगे, यहाँ से भी मरवाओगे. कहता ताइवान हमें मारने को तैयार, अमेरिका हमें मारने को तैयार, नेटो हमें मारने को तैयार, हिंदुस्तान भी हमें मारने को तैयार, बचाएगा कौन? मतलब यहाँ 4 फुट का आदमी, इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग मेरे पीछे पड़े, यहाँ से बचा तो वो मारेगा, वहां से बचा तो वो मारेगा. कह रहा कोई तो, कोई ना कोई तो मारेगा, मरना तय है. और देखिए झंडे और मातृभूमि के लड़ने वाले सिपाही का औज और तेज कभी वैसा नहीं हो सकता जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का काडर हो, जो कम्युनिस्ट पार्टी का टट्टू हो, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मर्सनरी हो और शी जिनपिंग के लिए लड़ रहा है. यह हमारे भाई जान देने में एक सेकंड नहीं सोचते, क्योंकि भारत भूमि के लिए लड़ते हैं. तिरंगा हमारी आन बान शान, हमारी पहचान, और फौज हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों की धड़कन फौज के इसमें है. 130 करोड़ लोगों के दिल में फौज के लिए जो जज्बा है वो कहीं नहीं है और दुनिया में. और यहाँ चाइना में क्या है, फौज किसके लिए लड़ता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए. किसका कार्डर है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कार्डर है. वो उनका मालिक कौन है, माई बाप कौन है? भूमि नहीं है, तिरंगा नहीं है, जनता नहीं है, शी जिनपिंग है. देयर एलिजेंस इज टू शी जिनपिंग. फर्क है रोहित भाई, फर्क है. आपको बताऊं उतना ही फर्क है जितना असली रॉकेट और दिवाली के रॉकेट में होता है. दोनों को ही रॉकेट right. कहते राइट राइट right. दोनों को ही रॉकेट कहते हैं. और हम भी ये जो चाइना की सरकार झूठ बोलती है बार बार और दुनिया को कुछ और दिखाती है, ये एक्सपोज करते रहेंगे. हमें पहले से पता था ये बात, हमारे पुराने मेरे और सुमित सर के अगर आप पुराने एपिसोड देखे, हमने बताया था कि कुछ ना कुछ हेरा फेरी की जाएगी. ये लॉकडाउन खोलने वाले नहीं हैं. लॉकडाउन कभी कोविड के लिए था ही नहीं, लॉकडाउन अपनी कुर्सी बचाने के लिए था. और उसमें एक नया एंगल, या इकोनॉमी को टूट के बचाने के लिए था, पर इकोनॉमी का टूटने का श्री गणेश हो चुका है, कोई रोक नहीं सकता इसको. वक्त की बात है. देखिए वक्त के स्वामी है महाकाल, और महाकाल की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता. जय महाकाल. जय महाकाल. सही. और शी जिनपिंग कब तक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे ये भी देखना एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हथियार चलाने पड़ेंगे इस रिवोल्ट को रोकने के लिए. ये रिवोल्ट अब जितना दबाएंगे और उग्र होता जाएगा, और गोलियां चलेंगी, सड़कों पर आ सकते हैं. देखते हैं शी जिनपिंग के साथ उनकी आर्मी खड़ी होती है कि नहीं, या उनकी सीसीपी खड़ी होती है कि नहीं, और लोग कितना रिवोल्ट करते हैं. लोगों का पहले वो A4 पर रिवोल्ट जैसे बोल रहे थे, A4 प्रोटेस्ट जैसे बोल रहे थे, वाइट पेपर प्रोटेस्ट जैसे बोल रहे थे, वो प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, लॉकडाउन खुलवाने के लिए चल रहे थे. ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे सबको पता था, इसके पीछे कौन था सबको पता था. वही शांघाई गैंग और वही बेंजियाबो, वही हुजिनटाओ, वही सारे के सारे थे जो चाहते थे कि एक शी जिनपिंग दोबारा ना आए. शी जिनपिंग ने चाइना को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और पूरे चाइना के लोग इस बात को जानते हैं. थैंक्स अ लॉट सुमित पीर सर फॉर जॉइनिंग अस. उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ चाइना की करंट सिचुएशन पे, मौजूदा हालात पे और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद. रोहित भाई आपको सादर प्रणाम, नमस्कार, सबको साधुवाद, जय हिंद, भारत माता की जय. भारत माता की जय.